21 जून को हम सब ने मनाया इंटरनेशनल योगा डे। ऐसे में हमारे गुरप्रीत घुग्गी जी को हमने योगा करते अपने कैमरे में कैद कर लिया। तो चलिए सबको लाफ्टर थेरेपी देने वाले घुग्गी साहब के पास चलते हैं और लेते हैं कुछ फिटनेस टिप्स। पानी की ये शीतलता और उस पर मुस्कुराते हुए फूल, ये मुस्कुराहट और ये शीतलता आपके दिल में उतर सके, इसलिए गुरप्रीत घुग्गी जी आज योग के जो थेरेपीज हैं, योग के जो टिप्स हैं, वो देने के लिए हमारे साथ पहुंचे थे। तो गुरप्रीत साहब, जो लाफ्टर थेरेपी है वो तो आप बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। बहुत बार घुग्गी ने उड़ारियां मारियां और जो है सारे नु हसाया। अब हुन योग वाली थेरेपी जड़ी है, एक काम तुसा कदों तो शुरू कीता? ये जी बस जदों फड़े जाओ उदों पता लग जांदा बंदा ते कई उस काम च बड़ी देर तो हुंदा। बट मैं योग विच बहुत देर तो नहीं सी, मैं जिमिंग थोड़ी बहुत कर ली है, सैर सूर नु तरजीह दिंदा सी। बट सुखदीप दूसर नौजवान मुंडा साडा, जदों तो चंडीगढ़ दे विच उन्हां ने एक पूरे ट्राई सिटी दे विच एक अवेकनिंग शुरू की थी योगा लई, उदों योगा नाल मैं सीरियसली थोड़ा जुड़िया सी। सब तो पहला कैंप वैसे मैं जलंधर च 2006 च बाबा रामदेव हुणा ने लाया सी, वो कैंप मैं पूरा 7 डेज अटेंड किया सी। ते उस तो बाद फिर भी मैं योग नाल ज्यादा जुड़ नहीं सी पाया क्योंकि टाइम की कमी करके। पर हुण सुखदीप नाल कॉन्टैक्ट चां तो मैं लगा कि टाइम की जिनी मर्जी कमी हो चंगी चीज नाल जुड़न वास्ते टाइम कढ़ना चाहिए। तो पिछले एक साल तो मैं योग नाल थोड़ा बहुत जुड़िया हुआ। अच्छा, योग दी तुसी गल कीती कि तुसी हुण लगातार जो है योग नाल जुड़े हुए हो, जिमिंग जड़ी है वो अजकल दे यूथ नूं ज्यादा अट्रैक्ट करदी है, बट हुण जदों हुण नवी गवर्नमेंट जड़ी बनी है वो भी पूरी तरह जो है अप्रोच कर रही है योग नूं और काफी सेलिब्रिटीज भी उहदे नाल जुड़दे पए ने, तुसी ते काफी लंबे टाइम तो इस चीज नाल जुड़दे आंदे हो, ते इह जिहड़ियां सारियां चीजां ने तुहानूं की लगदा कि जिमिंग ज्यादा बेस्ट है या आ जिहड़ी साडे देश दी अपनी धरोहर है इह ज्यादा बेस्ट है? देखो जी, वैसे तो धरोहर जिहड़ी हुंदी है ना अपनी मां अपनी हुंदी है जी, गुआंढियां दी तो फिर आंटी हुंदी है जी, मम्मी तो अपनी हुंदी है ना। ते दूसरी गल है जी कि जिमिंग बहुत अच्छी चीज है, जिमिंग भी करनी चाहिए है, पर यूथ ज्यादा अट्रैक्ट ता हुंदा जिमिंग वाल क्योंकि योग करके तुसीं किसी नूं कुछ दिखा नहीं सकते। तो यूथ च अट्रैक्शन यह हुंदी है कि सर्दियों विच भी आह वाली टी शर्ट पा के फिर थोड़ा दिखाउणा कि पहलवान जी किन्ने डंबल मारदे है। सो वो जिहड़ी अट्रैक्शन है यूथ विच ज्यादा हैगी है और वो जिहड़ी है घातक भी है साडे वास्ते। फिर गोलियां कैप्सूल स्टेरॉयड सारे लैके, फिर पाउडर चले ने वो लैके, या लोड तो ज्यादा जिमिंग करके आर्टिफिशियल बॉडी बनाउण दी मुंडे कोशिश करदे है, जिहड़ी बाद च उहनां लई प्रॉब्लमैटिक हो जांदी है। किडनीज दी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं कहना जी इंपोर्टेंसी इन्नी वध जांदी है इन्हां चीजां दे नाल, यूथ विच इंपोर्टेंसी बहुत वधी हुई है। रीजन यही है कि जिहड़ियां शरीर नूं नई चीजां चाहीदियां वो भी खा लेंदे ने, लोड तो ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंदे ने। सो जिमिंग कितना कितने थोड़ी जी हार्मफुल हैगी है जी, असीं केयरफुली नहीं चलते। पर योग ऐसी चीज है जी, ये होम्योपैथी की दवाई वांगू है, जे मैं बहुत ज्यादा फायदा नहीं लै पावांगा तो नुकसान तो नहीं करना है। ये भी गल हैगी है, नाले वो है ना कि कई बार असीं लालच के चक्कर दे विच चोखा भी खा लईए तो फिर अपना ढिड ते अपना घटो रोटी भावे किसी होर दी होवे भी लिहाज रखना चाहिए। अच्छा, तुसीं चंगीआं चीजां दी गल कीती कि चंगीआं चीजां नाल जुड़े हुए होर कीहड़ी चीज है चंगी जिहड़ी अजकल करदे पए हो? ये तो मैं हैल्थ संबंधी गल कर रहा सी तुहाडे नाल, ते होर मैं एक दो चीजा मेरे माइंड च चल रही है जी। एक तो मैं काम करना चाह रहा, मैनू कोई साथ नहीं एडा वधिया मिल रहा जे किसी पास्यों, मैं जिहड़े ट्रैफिक रूल्स दे उत्ते काम करना चाह रहा, ट्रैफिक सिस्टम दे उत्ते काम करना चाह रहा थोड़ा जिहा। मैं बहुत अच्छी टीम दे नाल किसी नाल जुड़ नहीं पा रहा, पर जिहड़ा सड़कां दे उत्ते ब्लड जिहड़ा डुल रहा मैनूं उहदा बहुत दुख है। लोकां दे घरां दे जवान पुत तीन तीन चार चार इकट्ठे एक एक कार दे विच देखी दा, खबरां पढ़ी दियां, तो बड़ी दुखदाई गल है। पर नो बडी सीरियस अबाउट दैट और कोई सीरियसली उत्ते काम नहीं कर रहा। सो मैं चाहना कि कोई टीम ऐसी बने साडी कि जिहदे ते असीं और उस काम ते काम कर सकीए। मैं पंगे परसनल लैंदा रहिंदा, जिदां परसों भी मैं जलंधर वल जा रहा सी, ट्रॉली जा रही है, उहदे पिछे 10-12 फुट लंबे सरिए बाहर निकले हुए ने, उहदे कोई उहने उत्ते प्रिकॉशन नहीं टंगिया होया, कोई रिफलैक्टर नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई भी बंदा आके ट्रॉली च वजेगा ते सरिया उहदे विच दी लंघ जाएगा। मैं उहदे नाल उतर के लड़ के उहनूं मैं पहलों कपड़ा टंगाया उहदे पिछे, मैं कहिंदे पिछे कपड़ा टंग इक बंदा उत्ते बिठा इंडीकेट करन वाला, लोग सीरियसली उदों तक नहीं लैंदे जद तक उहनां दे नाल हैपन नहीं हो जांदा। सो जदों तक खुद नाल प्रॉब्लम नहीं हुंदी लोकां नूं लगदा ही नहीं है प्रॉब्लम है। सो मैं उहदे ते काम करना चाह रहा। एक मैं पंजाब दे
ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਟੀਆਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਲਚਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸਾਥ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰੋਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਅਣਗੌਲੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਭ੍ਰਮਰੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾੜ ਆਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਔਖਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਨੁਰ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਧਨੁਸ਼ ਆਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਬਸ ਰਿਲੈਕਸ ਉਦੋਂ ਐਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੇਵਰੇਟ ਕਿਹੜੇ ਫੇਵਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੁਖਦੀਪ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਆਸਨ ਸ਼ਾਹ ਆਸਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ 10 ਘੰਟੇ ਕਰਾ ਲਓ ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੌਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌੜਨ ਭੱਜਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਜਰ ਆਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸੀਗੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਦੀ ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਮੁਸਕਰਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੋਕਸ ਹਰਿਆਣਾ